नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एड़ी की जो हड्डी होती है यानी हमारी हील की बोन होती है वो क्यों बढ़ जाती है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे कैल्केनियर स्पुर का प्रॉब्लम है या सैटिका जो नर्व होती है उसकी समस्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, कैल्केनियर स्पुर एक्चुअली में हमारी कैल्केनियस बोन जो हमारी हील की होती है उसकी ग्रोथ के कारण होता है। हमारी एड़ी की हड्डी बढ़ जाती जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि वात दोष की वृद्धि से होता है। अब ये वात दोष क्या होता है? वात दोष हमारे आयुर्वेद में त्रिदोष के अंदर सबसे प्रधान दोष बताया गया है। वात दोष के कारण ही बॉडी में सारी मूवमेंट होती है, वात दोष के कारण ही सारी चीजें संचालित होती हैं। वात दोष बढ़ता क्यों है? वात दोष बढ़ने के रीजन होते हैं रूक्ष खाना यानी रूखा खाना, ज्यादा चलना, ज्यादा टेंशन लेना, इस प्रकार की चीजें। जैसे बोला गया है तत्र रूक्ष लघु शीतः, ज्यादा ठंडा खाना, खरहा, खर यानी रफ चीजों के ऊपर ज्यादा चलना है, वो रफ चीजें खाना, जैसे बासी भोजन करना, इस प्रकार की चीजें जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ता है। और कैल्केनियर स्पुर की कंडीशन में क्या होता है, एक तो आपकी डाइट हो गई, दूसरा बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी की क्षमता से एक्सट्रीम कंडीशन में आप कर रहे हैं, जो कि कई एथलीट्स करते हैं, कई रनर करते हैं, कई पुलिस या फोर्स की भर्ती देख रहे होते हैं वो व्यक्ति करते हैं, उन व्यक्तियों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। या जो बहुत ड्राई भोजन कर रहे हैं, या जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, या जो बासी भोजन का सेवन कर रहे हैं, उन व्यक्तियों में ये समस्या देखने को मिलती है। तो अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया तत्र रूक्ष यानी ड्राई, लघु मीन्स हल्का, खर यानी रफ, सूक्ष्म यानी माइन्यूट, ये वात दोष के गुण बताए गए हैं। इनके अपोजिट चीजों का आप व्यवहार करने लगेंगे, जो सबसे अच्छा तिल तेल के अंदर पाया जाता है। तिली का तेल जो होता है उससे आप अपनी हील की मसाज करेंगे, एड़ी की जो बोन होती है उसकी मसाज करेंगे, और उसकी मसाज करने के बाद थोड़ी देर उसकी सिकाई करेंगे आप किसी भी गर्म टॉवल से। ऐसा करते हैं तो आपको उसमें लाभ मिलता है। लेकिन यदि कैल्केनियर बोन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जरूरत से ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई है, तो आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर के अग्निकर्म चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं रक्त मोक्षण का। अब कैल्केनियर स्पुर सियाटिक नर्व कंप्रेशन से कैसे अलग है इसको समझ लीजिए। सियाटिक नर्व कंप्रेशन में जब भी आप सुबह बिस्तर से उठते हैं उस समय आप अपने पैर की एड़ी को जमीन पर रखते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, और बहुत तेज दर्द होने के बाद कुछ देर आप चलने लगते हैं तो उसमें आराम आपको मिल जाता है। लेकिन कैल्केनियर स्पुर की कंडीशन में क्या होता है कि जब आप बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं तब तो दर्द होता ही है, बाकी दिन भर दर्द बना रहता है, आपको दिन भर चुभन होती रहती है। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसके बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दैट इज सियाटिका नर्व कंप्रेशन और दैट इज कैल्केनियर स्पुर। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके आस पड़ोस के दोस्त यार कोई भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर करें। यदि कैल्केनियर स्पुर का ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो ऑनलाइन दिए जा रहे नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और मेडिसिन आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। धन्यवाद।